ओके मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपकी फिल्म रिलीज होने जा रही है, भूज के लिए कितने आप एक्साइटमेंट है और बड़ी स्टार कास्ट है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर भूज. इट्स अ हिस्टोरिकल, इट्स अ अमेजिंग मूवी एंड जैसे आपने मेंशन किया स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, अजय देवगन सर, संजय दत्त सर, सोनाक्षी सिन्हा, यू नो द स्टार कास्ट एंड आई हैड अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद भूज एंड आर डायरेक्टर अभिषेक दुदैया जी, कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई है, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है मूवी को. जैसे ट्रेलर को सबने बहुत पसंद किया, इट लुक्स वेरी ग्रैंड. सो ओनली थिंग इज वी वॉन्टेड दिस टू गेट रिलीज इन थिएटर्स एंड बट लुकिंग एट द सिचुएशंस अभी फाइनली हम इसको OTT पे रिलीज़ कर रहे हैं. सो बहुत अच्छे हमको रिव्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन फॉर लविंग इट. एंड माई कैरेक्टर, आई वुड लाइक टू से भूज में मेरा एक कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है जो आज तक मैंने प्ले नहीं किया. फर्स्ट टाइम प्लेइंग मदर्स कैरेक्टर, आई हैव अ 5 years old डॉटर. सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज कुछ डिफरेंट करने को मिला है. आई एम ऑपोजिट एमी विर्क इन द मूवी, जो पायलट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, विक्रमजीत सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो रियल कैरेक्टर था. ऑल द कैरेक्टर्स आर रियल इन भूज. सो आई एम ऑपोजिट टू हेम, मैं उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. सो लुक वाइज, एक्टिंग वाइज, ट्रीटमेंट वाइज ये कैरेक्टर बहुत ही प्यारा है. इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगा मेरा कैरेक्टर. जब आपको ये फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट सुनाया गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन कि हाँ इस तरह का स्क्रिप्ट दिया? आप तो हमेशा से बोल्ड, बहुत ही अच्छी तरह से आप करते हैं, तो ये मम्मी वाला कैरेक्टर करना मतलब कितना मुश्किल रहा? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट टाइम जब मैं हमारे डायरेक्टर अभिषेक जी को मिली थी, उन्होंने ऑफकोर्स पहले हमको पूरी कहानी सुनाई गई. आई वॉज इन लव विद द स्टोरी बिकॉज इट्स अ इंडो पाकिस्तानी वॉर जो हुई थी 1971 में, उसके ऊपर है पूरी कहानी एंड मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी. एंड सेकेंड, उन्होंने जब मेरे को ये कैरेक्टर ऑफर किया था, ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी कि आई डोंट नो आप ये करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, वी वुड लाइक यू टू डू दिस कैरेक्टर बट एंड ऑफ द डे ऑफकोर्स इट्स योर चॉइस. एंड फॉर मी ऑल्सो इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड लॉट ऑफ पीपल दे टोल्ड मी ऑल्सो आपके अभी सिर्फ करियर की स्टार्टिंग है, आपको अभी मदर का कैरेक्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बट आई थिंक एज एन एक्टर हमारी कोई एज, कैरेक्टर वाइज देर इज़ नो एज लिमिट एंड देर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर. एंड ऑफकोर्स मेरे को खुद भी एक वेरिएशन चाहिए थी अपने करियर में, अपने कैरेक्टर वाइज जो भी मैं फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ. सो फॉर मी इट वॉज़ वेरी नाइस दैट आई गॉट सम डिफरेंट कैरेक्टर टू प्ले. लॉट ऑफ पीपल उनको ऐसा मौका नहीं मिलता जो मेरे को मिला. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड एंड yes, then I said yes to the movie. I really wanted to be part of this movie because this movie is, of course, script-wise, it's very good. And the way they have planned to shoot also, that was also amazing. And sir, bade names, all the actors are big, all the production houses like T-Series and everyone, they are already established people. So I wanted to be part of this movie and I got the offer. And but I'm very happy I did that character. In fact, for the future also, ek do aur jo mere projects lined up hain, I'm playing very different characters in that also. So I think this is the time now I should play with my characters and mere ko variations karni chahiye apne acting career mein. And I'm really really open to play any age barrier. Mujhe us cheez se itna koi farak nahi padta, aap mother ka character kar rahe hain ya aap ek young ladki ka character kar rahe hain. As an actor, aapko in fact you feel good and you feel satisfied that aapko kuch different karne ko mila. जैसे कि आपने कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रही है, आप अजय सर, संजय दत्त, सोनाक्षी, हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? कैसा रहा सेट का माहौल, बातचीत हुई रही आपकी, क्या क्या रहा? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम सबके जो पोर्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, हम किसी का भी एक साथ शूट नहीं हुआ है. बट ऑफकोर्स इट्स अ वन टीम, सो आप मिलते हैं एक दूसरे को, मिलते हैं एक टीम में, मे बी प्री प्रोडक्शन में आप मिलते हैं, स्टोरी रीडिंग में आप एक दूसरे को मिलते हैं. सो ऑफकोर्स ऑल आर वेरी हम्बल एंड सबने, जैसे सोनाक्षी ने उनका जो कैरेक्टर किया है, शी डिड अ अमेजिंग जॉब. सो सबका कैरेक्टर डिफरेंट एंड सबका जो शूटिंग पार्ट था वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे था. मैंने जो मेरा पार्ट शूट किया है, शॉट इन मुंबई एंड आई शॉट इन गुजरात मांडवी.
सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस स्पेशली वर्किंग विद अ डायरेक्टर बिकॉज आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर ऑल्सो वो एक्टर से काम कैसा निकलवाते हैं. सो ही वॉज वेरी वेरी यू नो ऑनेस्ट एंड ही वॉज वेरी पर्टिकुलर उनको कौन सा शॉट कैसा चाहिए एंड उन्होंने वैसा ही वो जैसे उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया था उन्होंने सब शॉट वैसे ही लिए हैं. सो विच आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. सो येस बहुत मज़ा आया सबके साथ शूट करके बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक इट्स गोना बी गुड फॉर मी. जैसे कि आपने कहा कि आप अब स्क्रिप्ट पढ़ के कैरेक्टर को देख के आप स्क्रिप्ट लेना पसंद कर रही है मतलब आप मतलब चूजी मतलब कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए चाहे वो कोई भी हो. चाहे हमने देखा कि आपने इससे पहले एक नर्स का रोल किया था और अब यहाँ पर तो मतलब कहीं ना कहीं आप कैरेक्टर फोकस हो चुकी है. यू नो हर एक्टर के करियर की जो जर्नी होती है उसमें एक टाइम आता है आपको जब लगता है ओके यू वॉन्ट टू यू नो बी सेटिस्फाइड एंड आप यू वॉन्ट टू प्ले डिफरेंट वेरिएशंस इन कैरेक्टर. जब मेरे को कसक जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं जिसमें मैंने नर्स का रोल किया था सो फॉर दैट आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर OTT एज अ बेस्ट एक्ट्रेस एंड वो कैरेक्टर मैंने बहुत जब मैंने वो कहानी भी सुनी थी फॉर मी इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज उसमें जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था दैट वॉज फ्रॉम 25 years old टिल 60 years old एंड उसमें स्पेशली जो 60 years old वाली जो ब्रैकेट थी उस टाइम पे दिस गर्ल शी इज़ ऑन वेंटिलेटर एंड उस टाइम पे आप शी कैन नॉट स्पीक बट आपको पूरा जो भी एक्टिंग करनी है आपको ओनली आपके फेस के एक्सप्रेशंस के साथ ही उसको दिखाना है और आपकी आंखों के एक्सप्रेशंस के साथ ही आपको पूरी एक्टिंग करनी है. सो इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एंड स्पेशली विद ऑल द प्रोस्थेटिक मेकअप व्हेन आई एम लाइक 60 years old. सो बट मेरे को बहुत मज़ा आया करके एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ओके दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई गॉट नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट एक्ट्रेस एंड येस आई You can say I want to be choosy, but again I want to mention आप सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है इस इंडस्ट्री में. सो आई थिंक आई बीन लकी इन दैट वे लाइक आफ्टर हिज स्टोरी 4 आई टुक ऑलमोस्ट 2 years ब्रेक बिकॉज मेरे को सेकेंड मूवी जो भी बॉलीवुड में मैं कर रही हूँ मेरे को एक डिफरेंट कैरेक्टर करना था मुझे सेम कैरेक्टर दोबारा नहीं करना था. सो येस आई एम गेटिंग अ चांस नाउ आई थिंक इवन जो मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं उसमें भी एक डिफरेंट एवरी मूवी हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले. सो आई एम गेटिंग अ चांस नाउ सो आई फील आई एम वेरी लकी यू कैन से एंड येस एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. तो हम माने कि आप तापसी और विद्या बालन की राह पर चल रही है. आई डोंट नो यू कैन से उनकी राह पर चल रहे हैं दे बोथ आर अमेजिंग एक्टर विद्या बालन स्पेशली शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड तापसी शी इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क. अभी मैंने उनकी मूवी देखी थी हसीन दिलरुबा एंड शी इज़ डूइंग लाइक डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एवरी मूवी. सो आई वुड लाइक टू से ओके दे तापसी आई थिंक शी इज़ ऑल्सो नाउ अब जाके लोगों ने आई थिंक उसका टैलेंट को यू नो देखना शुरू किया है एंड शी इज़ गेटिंग चांस टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होने वाला है मे बी आई विल गेट अ चांस टू प्ले दैट और मे बी आई वॉन्ट गेट अ चांस टू प्ले दैट बट एज एन एक्टर ये आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स माई वर्क डजेंट मैटर मेरे को कौन सा कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है सो आई गिव माई 100% एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ऑडियंस लव. How was the experience when you come to know that you are nominated for the Filmfare OTT? तो वो क्या रहता है मतलब Filmfare Award मिलना या nomination भी होना बहुत बड़ी बात होती है. How was the experience that time? आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे को जब ये नॉमिनेशन आया था आई वॉज शूटिंग इन पंजाब फॉर वन ऑफ माई पंजाबी मूवी एंड माई डायरेक्टर कॉल मी जो कसक के डायरेक्टर हैं दीपक जी उन्होंने मेरे को कॉल किया अरे आप नॉमिनेट हुए हैं आई एम लाइक एक्चुअली आई कॉल्ड हिम आई से कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका नाम नॉमिनेशन में आया एंड ही वॉज लाइक अरे आप भी तो है नॉमिनेशन में आई एम लाइक कौन से नॉमिनेशन में हूँ मैं ही इज़ लाइक आप भी नॉमिनेशन में फिल्म फेयर OTT के नॉमिनेशन लिस्ट में आपका नाम भी है. सो येस आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफकोर्स आई कुडेंट बिलीव बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट OTT वेब सीरीज जो मैंने की थी एंड दैट वॉज अ फर्स्ट टाइम मैंने कुछ डिफरेंट भी करने की कोशिश की थी स्क्रीन के ऊपर बट फॉर माई वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट आई गॉट नॉमिनेटेड सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी
एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. सो उस टाइम पे आई गॉट लॉट ऑफ कॉल्स. सो पीपल टोल्ड मी आई वट यू फील यू गोना विन यू नॉट गोना विन. सो फॉर मी इट वॉज लाइक इट डजेंट मैटर आई एम गोना विन और आई एम नॉट गोना विन. मेरा नाम नॉमिनेशन में आया मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज फिल्म फेयर OTT के नॉमिनेशन लिस्ट में आना दैट मीन्स आपने कुछ अच्छा किया होगा तभी आप एक नॉमिनेशन की लिस्ट में आए हैं. सो फॉर मी दैट वॉज अ अचीवमेंट. सो फॉर मी अवार्ड लेना अवार्ड नहीं लेना दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग बट ये नॉमिनेशन की आप लिस्ट में आ गए हैं दैट वॉज अ लाइक अचीवमेंट फॉर मी. ओके इसके अलावा जैसे कि आप पंजाबी फिल्म आप कर रही है तो उसके बारे में कुछ बताइए क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा है वहाँ के सॉन्ग्स भी तो क्या क्या आप प्रोजेक्ट करें पंजाबी में कुछ आप बताइए. पंजाबी इंडस्ट्री हैज़ बिकम वेरी बिग नाउ एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स स्पेशली इवन दे आर मेकिंग रियली गुड बजट मूवीज एंड दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अभी वहाँ पे वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स भी बन रहे हैं. पंजाब में मेरी 3 मूवीज़ अभी भी रिलीज पे हैं बिकॉज ऑफ कोविड एवरी थिंग गॉट पोस्ट. सो उसमें येस माई 1 मूवी इज़ गोलगप्पे एंड 2nd मूवी इज़ गुलाम एंड 3rd मूवी वॉज यू नो भूत अंकल तुसी ग्रेट हो जिसमें फर्स्ट टाइम राज बब्बर जी एंड जया प्रदा जी शी इज़ एक्टिंग इन पंजाबी मूवी एंड KC बोकाड़िया जी इज़ अ डायरेक्टर. सो माई 3 मूवीज़ आर ऑन रिलीज इन पंजाबी एंड वी आर जस्ट वेटिंग बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा एंड पीपल गोना गेट टू सी दैट ऑन स्क्रीन. टी सीरीज और आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा रिश्ता है काम आपको फिल्म हिट स्टोरी अभी आप रोज सॉन्ग भी आप कर रहे हैं थोड़ा आप कुछ कहना चाहेंगे कौन से नए सॉन्ग आने लगे टी सीरीज के साथ उसके बारे में कुछ आप बताइए. यस आई एम अ टी सीरीज आर्टिस्ट. आई वॉज लॉन्च बाई टी सीरीज इन हिस्टोरी 4 एंड उसके बाद मेरे अभी 2 गाने आए थे. 1 वॉज बेवफा तेरा मासूम चेहरा लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको. बिफोर दैट अगेन आई डिड मेरी आशिकी लोगों ने बहुत पसंद किया. अगेन दे आर 2 मोर सॉन्ग्स कमिंग अप विद टी सीरीज संग बाय जुबिन नौटियाल एंड आई थिंक मेरे बॉलीवुड में जितने सॉन्ग है एवरी थिंग इज़ बाई जुबिन नौटियाल. इवन मेरा हिट स्टोरी में जो गाना हिट हुआ था दैट वॉज ऑल्सो संग बाय जुबिन नौटियाल. सो आई एम डूइंग 2 मोर सॉन्ग्स. 1 इज़ कमिंग विद करण मेहरा ओनली एंड द सेकेंड वन वी हैवन डिसाइडेड इट येट. सो आई थिंक बहुत जल्दी वो भी रिलीज हो जाएंगे. सो इट्स गोइंग वेल एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड. आई एम वेरी ऑनर्ड बाई 2 टी सीरीज के उन्होंने मेरे को ये मौका दिया उन्होंने मेरे को लॉन्च किया एंड उसके बाद आई गॉट ए चांस टू प्ले अ पार्ट इन बुज ऑल्सो. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू टी सीरीज. अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फिल्म के बारे में हिंदी फिल्म के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे. हिंदी फिल्म में अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डूइंग 2 वेब सीरीज फॉर OTT एंड आई थिंक दैट्स गोना रिलीज इन दिस ईयर ओनली. एंड फिल्म्स की अगर हम बात करें आई हैव आर 2 मूवीज ऑलरेडी साइंड बट बिकॉज ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एवरी थिंग गॉट पोस्ट. सो आई थिंक वी गोना स्टार्ट शूटिंग बाई नवम्बर दिसंबर. सो एज सुन एज वी गो ऑन फ्लोर आई एम गोना रिवील ऑल द डिटेल्स. ओके वेब सीरीज की आपने बात की तो वेब सीरीज के बारे में कुछ बताइए क्या है वो वेब सीरीज. 1 वेब सीरीज़ फॉर द जियो इट्स कॉल्ड इंस्पेक्टर अविनाश विद रणदीप हुडा एंड वी हैव ऑलमोस्ट शॉट हाफ ऑफ द सीरीज एंड आफ्टर 2nd वेव इट गॉट यू नो ऑन पॉज अगेन. सो आई थिंक वी आर गोना स्टार्ट शूटिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ फॉर दैट वेब सीरीज एंड 1 इज़ कंट्री माफिया एंड द डायरेक्टर इज शशांक and we haven't decided yet it's gonna come on which platform but that's also very nice. And in both web series again I have different characters. In Inspector Avinash I have a different character and in Country Mafia I have a very different character where I will be speaking Bhojpuri and again first time and very you know very subtle character. So we in fact did lot of training for that so I'm excited to shoot for that also. We are shooting from next week in Banaras for that. वेल ऑल आई वॉन्ट टू से गाइज थैंक यू सो मच. आपने व्हेन आई गॉट लॉन्च इन बॉलीवुड आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया. अभी तक मैंने जितना काम किया आप लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू बुश ट्रेलर एंड इट्स रिलीजिंग ऑन 13th August almost near to my birthday. So thank you so much for all the love and I promise you in future also I'm gonna try to give you different characters and different variations and I thank you so much again. Thank you. Thank you. Thank you.